रिक्शा चालक की हत्याकांड का मुंगेर पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल दो युवक को किया गिरफ्तार एवं एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। मुंगेर 22 अक्टूबर को गंटा थानाध्यक्ष राहुल कुमार को सूचना मिली कि परमानंदपुर गांव स्थित एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु गंगा थानाध्यक्ष सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जनहा पूछताछ के क्रम में स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन अज्ञात लोगों के द्वारा मृतक के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी है। सत्यापन के क्रम में युवक की पहचान खड़गपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी नैमो दास के पुत्र कपिल कुमार के रूप में हुई। बेटे की हत्या को लेकर पिता ने गंटा थाना में 6 लोगों को हत्या का नामजद अभियुक्त बनाया और प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें खड़गपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार, गंटा थानाध्यक्ष, जिला आसूचना इकाई टीम और सशस्त्र बल को शामिल किया गया। वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर खड़गपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। जनहा पुलिस ने खड़गपुर और गंटा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इस कांड में संलिप्त दो युवक उत्तम कुमार और श्रीकांत कुमार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया। वही घटना में प्रयुक्त काला रंग का ट्राउजर, काला रंग का फुल टी शर्ट और एक लाला रंग की गमछा को बरामद किया गया। 22 तारीख को गंटा थाना अंतर्गत ग्राम परमानंदपुर, वहाँ पे घटना हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम कपिल था उसको कुछ लोगों ने जान से मार दिया है। और घटना का सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहाँ मौके पे पहुँची। FSL की टीम हम लोगों ने बुलाई, साइंटिफिक एविडेंस एकत्रित किया और इसके सफल उद्भेदन के लिए SDPO खड़गपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें आज इसमें हम लोगों ने दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और एक इसमें नाबालिग है जिसको हम लोगों ने निरुद्ध किया है। तीनों की घटना में संलिप्तता है, इन तीनों ने अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इन तीनों को हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई इनके विरुद्ध कर रहे हैं। इसमें जो मृतक है वो टोटो चालक था और अपने ही टोटो से इन सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुए जो कि परमानंदपुर गंगा थाना में है। वहाँ पे लोग नशा किया, नशे के क्रम में इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के उपरांत जो है इसमें बाकी तीन लोगों ने जो मृतक है कपिल उसकी हत्या कर दी। जो इनसे जब इन लोगों की अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग के उपरांत इसमें हम लोगों ने जो घटना में प्रयुक्त गमछा था जिससे गला घोट के मारा गया है वो गमछा भी बरामद किया है। इसके अलावा जो घटना में के समय ये लोग कपड़ा पहने हुए थे जिसमें ब्लड स्टेन लगा हुआ है जो कि संभवतः मृतक का है, वो कपड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है। और इसमें साइंटिफिक एविडेंस एकत्रित करते हुए इसमें हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।